हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे कि आप ये पता लगा सकती हैं कि आपके सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस स्थिति में आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, जिसमें सबसे पहला है कि अगर आपका बेबी प्रेगनेंसी के 38वें सप्ताह के अंत तक और 39वें सप्ताह के शुरुआत में भी आपके बेबी का सर ऊपर और पैर नीचे है, यानी कि आपके बच्चे ने अपना सर नीचे नहीं किया है, तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। दूसरा, अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपके सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये वो कंडीशन है जब आपके प्लेसेंटा में से ब्लड का रिसाव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। तीसरा, अगर बच्चा गर्भ में पॉटी कर देता है तो इस कंडीशन में भी सिजेरियन डिलीवरी ही की जाती है। प्रेगनेंसी का पूरा समय हो जाने पर भी अगर आपकी डिलीवरी ना हो तो ऐसे कंडीशन में कई बार बच्चा गर्भ में ही पॉटी कर देता है, जिससे बच्चे की जान को खतरा होता है, तो ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। चौथा, अगर आपके शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर आपके शरीर में खून की कमी हो, तो ऐसे में भी आपके सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए अब उन लक्षणों के बारे में जान लेते हैं जिससे कि आप ये जान सकती हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण है बच्चे का सर नीचे की तरफ हो जाना। प्रेगनेंसी के 38वें सप्ताह के अंत तक और 39वें सप्ताह की शुरुआत में अगर बच्चा सर नीचे की तरफ कर लेता है तो ये नॉर्मल डिलीवरी होने के संकेत होते हैं। दूसरा लक्षण है बार बार टॉयलेट आना। अगर आपको 9वें महीने में बहुत ज़्यादा टॉयलेट आने लगे, हर 10 से 15 मिनट में आपको टॉयलेट जाना पड़े, तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तीसरा लक्षण है बच्चेदानी का मुंह खुलना। बच्चा जब अपना सर नीचे कर लेता है तो बच्चेदानी पर प्रेशर डालता है, और अगर आपको लेबर पेन आ जाए और बच्चेदानी का मुँह खुल जाए, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर आपका म्यूकस प्लग निकलने लगे, तो ये भी बताते हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। चौथा लक्षण है बच्चे के पानी के थैली में रिसाव। अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट से पानी जैसा निकलता हुआ महसूस हो, तो इस कंडीशन में आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सके। पांचवा लक्षण होता है कमर में दर्द होना। अगर 9वें महीने में आपके कमर में दर्द की समस्या बढ़ जाए, तो ऐसे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो इन बातों से आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है और किस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।